आजकल कोरोना के बाद ब्लैक फंगस हॉट टॉपिक बना हुआ है, खासकर हम गार्डनर्स की लाइफ में। और सिर्फ हमारे ही नहीं, वे सभी लोग जो पेड़ पौधे लगाते हैं। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां एक दो पौधे ना मिले। कम से कम तुलसी और मनी प्लांट तो हर घर में पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता और आप देख रहे हैं नीता सिंह दिल की बात। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं गार्डनिंग के टॉपिक छोड़कर मेडिकल और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक क्यों डिस्कस कर रही हूँ। क्योंकि जब ब्लैक फंगस से लोग अफेक्ट होने लगे तो मेरे मन में भी कई सवाल उठने लगे। आपने सुना ही होगा कि प्लांट्स में फंगस लग जाएगी, फंगिसाइड्स का इस्तेमाल कीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये फंगस आता कहाँ से है? हमारी मिट्टी से। जी हाँ, ये फंगस हमारी सॉयल में ही पाया जाता है। प्लस हम जो कंपोस्ट बनाते हैं, तरह तरह के खाद बनाते हैं, उसे तैयार करने में भी फंगस ही हमारी मदद करते हैं। तो मैंने इस पर रिसर्च किया, काफ़ी सारी जानकारियाँ जुटाई और अपने डॉक्टर से भी पूछा इस बारे में। तो मैंने सोचा कि आप सबके मन में भी मेरी तरह ज़रूर ये सवाल उठ रहे होंगे, इसलिए आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ। ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस। इसका नाम भले ही ब्लैक फंगस हो, लेकिन ये फंगस देखने में सफ़ेद रंग का होता है। ये शरीर के जिस पार्ट को प्रभावित करता है वो भाग ब्लैक हो जाता है, इसलिए इसे ब्लैक फंगस कहा जाता है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, ये कोई नई चीज़ नहीं आई है। सालों से ये हमारी मिट्टी में, हवा में, हमारे आसपास चारों तरफ पाई जाती रही है। और हमारे अंदर इतनी इम्यूनिटी होती है कि इस फंगस का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन आजकल कोविड से ठीक होने वाले मरीजों की इम्यूनिटी बहुत घट जा रही है, जिस कारण उन्हें ब्लैक फंगस की बीमारी आसानी से प्रभावित कर रही है। लेकिन ऐसे पेशेंट जो घर पर ही ठीक हो गए हों, उन्हें कोई खास खतरा नहीं। मुझे भी कोविड हो गया था और मैं घर पर ही ठीक भी हो गई। लेकिन वे लोग जो ज़्यादा सीरियस हो गए थे, ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे या जिन्हें एस्टेरॉयड दिया गया हो, वो इस ब्लैक फंगस के ईजी टारगेट हो रहे हैं। तो यदि आप भी कोविड से रिकवर हुए हैं तो एक दो महीने के लिए गार्डनिंग स्थगित कर दें, फैमिली वालों की हेल्प लें प्लांट्स की केयर के लिए। हो सके तो मिट्टी और कॉम्पोस्ट से दूर रहें। लेकिन यदि आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है तो मिट्टी में काम करते समय या कॉम्पोस्ट से डील करते समय मास्क लगाएं, ग्लव्स पहनें और काम के बाद हाथों और चेहरे को अच्छी तरह साबुन से धो लें। कोविड हो या ब्लैक फंगस, इन सभी से जीतने का एकमात्र हथियार है हमारी इम्यूनिटी। तो अपना खूब खूब ख्याल रखिए, अच्छी डाइट लीजिए, फ्रूट्स और हरी सब्जियों का सेवन कीजिए, जरूरी प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और फ्रिक्वेंटली हाथ धोइए। और फिर से दोगुने उत्साह और जोश के साथ बिना डरे गार्डनिंग में जुट जाइए। कोरोना ने जहां सबको इतना परेशान किया, वहीं हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। साफ सफाई और हाथ धोने की आदत, इसे कभी मत छोड़िए, कोविड और ब्लैक फंगस के जाने के बाद भी, क्योंकि ये अच्छे हैबिट है। जब भी गार्डनिंग करें, काम खत्म करने के बाद, कोरोना हो या ना हो, अच्छे से हाथों को साफ करना ना भूलें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भले ही करें या ना करें, इसे अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच शेयर जरूर कर दें। अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जरूर शेयर करें ताकि सभी इस जानकारी का लाभ ले सकें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।